रूसी मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेनी फौज ने रूस के कुर्स्क के एयरफील्ड के पास ड्रोन से अटैक किया। हमले के बाद एयरफील्ड के पास रूस के ऑयल स्टोरेज टैंक में बड़ा धमाका हुआ। कुर्स्क यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। कुर्स्क एयरफील्ड पर रूस के मिग और सुखोई फाइटर प्लेन तैनात हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूसी एयरफील्ड पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक को लेकर बड़ा खुलासा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयरफील्ड पर हमले को यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज ने अंजाम दिया था। इस हमले को यूक्रेनी फौज की जबरदस्त तैयारी से जोड़कर बताया जा रहा है। यूक्रेन के बखमुट में यूक्रेनी फौज के विध्वंसक प्रहार का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी फौज ने मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी ठिकाने मिट्टी में मिल गए। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम बड़ा मारक हथियार साबित हुआ। यूक्रेनी फौज ने MLRS से हमले का एक और वीडियो जारी किया। इस हमले के जरिए यूक्रेन ने रूस के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उसके ठिकानों पर रॉकेट दागे जा रहे थे। यूक्रेनी फौज के लिए जर्मनी के दिए जेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन काफी काम आ रहे हैं। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूसी क्रूज मिसाइल को जेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला कर तबाह करने का वीडियो जारी किया। रूसी क्रूज मिसाइल को मार गिराने के बाद यूक्रेनी जवानों ने जश्न मनाया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन से नाराज रूसी सेना के कई जवान बखमुट में यूक्रेन की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन के चर्च पर हुए हमलों से भी आहत हैं। बताया जा रहा है कि कई जवानों के यूक्रेन में रिश्तेदार हैं, इसलिए वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। न्यूयॉर्क टाइम्स में वेपन्स रिसर्च ग्रुप की छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पश्चिमी देशों और अमेरिकी बैन के बावजूद पिछले कुछ महीनों में ही बड़ी तादाद में क्रूज मिसाइलें बनाई हैं। नवंबर के आखिर में कीव पर हमले में इस्तेमाल किए गए क्रूज मिसाइल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट से खुलासा हुआ है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उसकी फौज ने यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई लाइन पर भी मिसाइल हमला किया है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सैनिक तक रसद और हथियार पहुंचाने वाले रास्तों और आर्मी व्हीकल को तबाह कर दिया गया है। कीव और ओदेसा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया है। लुहांस्क में आगे बढ़ रही यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए रूसी फौज ने अब आर पार की तैयारी शुरू कर दी है। लुहांस्क में रूस ने T-90M टैंकों की नई खेप पहुंचा दी है। T-90M रूस का सबसे एडवांस टैंक है जो वॉर जोन में दुश्मन सेना की कमर तोड़ सकता है।